हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक और स्टॉक से रिलेटेड हेल्थ केयर से रिलेटेड ये स्टॉक है और हेल्थ से अगर बात करें हॉस्पिटल ये कंपनी हॉस्पिटल में डील करती है मेडी इनके क्लिनिक भी है उसमें डील करती है तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल एज वेल एज अगर हम बात करें इसका हम देखेंगे कि इसके टेक्निकल टारगेट कितने आ रहे हैं तो बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे और अगर हम देखें आपके लिए प्ले बना रखिए प्ले लिस्ट में जाके गो थ्रू करिए वीडियो को तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज आपको जनरेट होती हुई दिखाई देगी और दो वीडियो आज की में ऑलरेडी आ चुकी है इन वीडियो को जाके गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे खासे यहाँ पर अपसाइड नजर आ रही है बहुत बेहतरीन यहाँ पर शेयर है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं है क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि करके उसके फंडामेंटल्स और शेयर से रिलेटेड कुछ बातें तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर के ऑलरेडी बहुत सारे शेयर है मार्केट में अपोलो हॉस्पिटल हो गया जैसे मेट्रोपोलिस हो गया फोर्टिस हो गया बजाज हेल्थ केयर हो गया एज वेल एज बात करें टीटी के हेल्थ केयर हो गया कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी अच्छा खासा शेयर वो भागा भी था इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर हो गया तो यहाँ पर एक और शेयर है यहाँ पर एस्टर डी एम हेल्थ केयर जो कि एक रुपए पे चल रहा है और इसका अगर हम देखें और दो में ये शेयर आया था ओके उससे अगर हम देखें तीन परसेंट के यहाँ पर लॉस में चल दिखा रहा है बट अगर हम बात करते हैं पिछले एक साल की तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग चौंतीस के रिटर्न दिए हैं और इसके फाइनेंशियल बताते हैं कि ये और भागने को तैयार है और अच्छा खासा यहाँ पर गेंद देने को यहाँ पर ये ये शेयर बहुत अच्छे दे सकता है तो इसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं श्टरड, हेल्थ केयर और आज के दिन में हम देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस तो आज के दिन में शेयर सिंपल चल रहा था इसके बाद आठ परसेंट के लगभग यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया तो इस शेयर की तरफ हमें नजरें रखनी है इस शेयर से रिलेटेड और भी बातें करें तो देखिए फिफ्टी टू वीको एक सौ पे था फिफ्टी टू वीक हाई की बात करें एक के आसपास है ये शेयर और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड्स है और ये शेयर अच्छा खासा भाग सकता है बात करें यहाँ पर तीन ल, तीन करोड़ पचपन सॉरी पैंतीस लाख पचपन हजार शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं लगभग फोर्टी थ्री शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए और कंपनी इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जून में यहाँ पर बाईबैक भी आता हुआ दिखाई दिया था और यहाँ पर रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दिए थे इसके अलावा हम यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं इस शेयर से रिलेटेड तो ये शेयर एग्जैक्टली है कहाँ और कहाँ पर डील करता है तो यहाँ पर हम देखें तो ये कंपनी ये जो हेल्थ केयर है जो ये जो ये शेयर है ये यह मोस्टली यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है कहाँ पर जीसीसी जीसीसी मतलब क्या है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल तो यहाँ पर ये यह उन कंट्रीज में गल्फ की कंट्रीज में यहाँ पर ये यह ऑपरेशन करता हुआ दिखाई देता है वहीं पर ये ऑपरेट करता हुआ दिखाई देता है बाकी इंडिया में भी है बट यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो कंपनी है और जो ये हॉस्पिटल्स है यहाँ पर

यहाँ पर जी सी सी अरब एड इमार्थ यू ए में ओमान में है, कतर में किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में है यहाँ पर ये डील करते हुए नजर आते हैं और ये जो कर, इनकी जो मोस्टली इनकम आती है वो इनकम इनकी जी से ही आती है मतलब अच्छा खासा इनका जो पैसा जनरेट 81 परसेंट जो पैसा आता है रेवेन्यू आता है वो यहाँ पर जीसीसी मतलब गल्फ कंट्री से आता है बाकी 19 परसेंट इंडिया में आता है आ, क्योंकि देखिए इक्वली यहाँ पर हॉस्पिटल है बट अगर बात करें यहाँ पर रेवेन्यू की तो यहाँ से ज़्यादा आता है और वो क्यों आता है क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनकी जो जी सी ऑपरेशन से जो पैसे कमाते हैं वो लगभग पच्चीस के आर से यहाँ पर जनरेट करते हैं कंपेयर देन अगर हम बात करें इंडिया की तो छः परसेंट से क्यों क्योंकि यहाँ पर लैंड वगैरह लैंड अगर बात करें उसकी कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट

में और पांच हॉस्पिटल इंडिया में ही बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा इनका आगे के टाइम स्कोप होगा जैसे ही सब चीज तैयार हो जाएगी तो इनके रेवेन्यू और ज्यादा जनरेट होने शुरू हो जाएंगे मार्केट कैप की बात करें सात हजार छह सौ अस्सी करोड़ की यहाँ पर कंपनी है मतलब स्मॉल कैप कंपनी है पी फिफ्टी टू है डेट की, की बात करें तो वन पॉइंट की सॉरी एक सौ इकतीस परसेंट का डेट आप कह सकते हैं यहाँ पर तो डेट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है बट अगर बात करें ये डेट है जो एक्सपेंशन के लिए तो प्लेजिंग की बात करें वो भी यहाँ पर टेन परसेंट के आसपास पर दिखाई दे रहा है बट अगर यहाँ पर नंबर जब अच्छे आने शुरू हो जाते हैं कंपनी अगर अच्छे खासे यहाँ पर नंबर देती है तो उस केस में यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं होती इसके अलावा पी रेशो -E की हम बात करें तो यहाँ पर पॉली मेडिकोर का 69 है मेट्रोपोलिस 83 के पी -E पे मिल रहा है मैक्स हेल्थ केयर फाइव थर्टी नाइन डॉक्टर लाल पात नाइनटी अपोलो हॉस्पिटल थ्री और ये 51 वन के पी -E पे मिल रहा है तो ये काफी सस्ता यहाँ पर शेयर नजर आ रहा है जो कि दिखता मिलता हुआ नजर आ रहा है

लगभग यहाँ पर बीच में यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जून क्वार्टर में यहाँ पर अगर देखे पेंडेमिक का असर था ओके उस टाइम में यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं था तो हॉस्पिटल की ज्यादा उस टाइम में जरूरत नहीं थी बट उसके बाद की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है हाइस्ट है तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर अभी भी रेवेन्यू जनरेट किया और आने वाले टाइम में और ज्यादा जनरेट करेगी जिस तरीके से इनके एक्सपेंशन हो रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी पिछले दो तीन क्वार्टर का हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर ही है अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है जस्ट बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट भी कुछ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर एक्सपेंशन एक्सपेंसिज भी यहाँ पर ज्यादा होते हुए दिखाई दे है कंपेयर देन सेल्स तो इस वजह से यहाँ पर इनकी जो इनकम है नेट प्रॉफिट है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है बट स्टिल यहाँ पर पॉजिटिव है ये सारी चीज अच्छी बात है रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व भी देख लीजिए ट्वेंटी

और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो दो करोड़ का यहां पर कैश इक्विवेलेंट भी है ट्रेड रिसल अच्छा खासा है इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पंद्रह करोड़ के आसपास है जो कि हाईएस्ट एवर है आ, की बात करें पर पर कंपनी कंपनी का अभी नीचे चल रहा है जस्ट बिकॉज ने पिछले दो साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम परफॉर्म किया है प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें थर्टी की होल्डिंग यहां पर प्रोमोटर्स की है जो कि इन्होंने पिछले अगर बात करें यहाँ पर बढ़ाती हुई दिखाई दी है एफ की बात करें टेन की होल्डिंग है डी की बात करें एट की होल्डिंग है जो कि इंक्रीज करते जा रहे हैं और बात करते हैं पब्लिक की तो परसेंट की आसपास होते हैं तो केवल पांच और छह परसेंट के आसपास की होल्डिंग ही नॉर्मल पीपल के पास है तो ये सारी चीज बताती है कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रही है इसके अलावा इसका कुछ चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो यहाँ पर ये शेयर अब नीचे जान मुझे नहीं लगता कि ये शेयर नीचे जाने वाला है यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसाइड नजर आ रही है तो यहाँ पर अगर देखते सबसे पहले तो हाईएस्ट एवर इसके ये हाँ लिस्ट होता है हॉस्पिटल्स वगैरह के सभी के शेयर यहाँ पर भागने शुरू हो गए तो अच्छा खासा ये शेयर भागेगा भी आज के दिन देखिए अच्छा खासा भागा था तो आज के दिन यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया है बट अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं तो अच्छा खासा रिवर्स अगर हम बात करते हैं कब विद हैंडल पैटर्न या फिर अगर हम देखें तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ नजर आ रहा है दोनों किसी भी तरीके से हम यहाँ पर देख ले तो एक ही बात है यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शोल्डर कह सकते हो इसे एक हेड कह सकते हो फिर इसके बाद यहाँ पर एक शोल्डर बनता हुआ नजर आया इस नजरिए से देख लीजिए या फिर इसे हटा देते हैं और यहाँ पर से देखते हैं एक कप बन गया और इसके बाद ये हैंडल बन गया दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता तो यहाँ पर अगर दोनों के हिसाब से भी देखते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर अपसाइड नजर आ रही है और जो कि हम यहाँ पर देखते हैं कितना परसेंट तो हम यहाँ पर से लगा देते हैं इसे हम्म

तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इनका जब अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर गल्फ से आता है तो गल्फ में तो आपको बताइए पैसे ज्यादा है ही है जहाँ पर अच्छा खासा इनका दोबारा से बिजनेस होता हुआ दिखाई देगा तो 67 टू 68 परसेंट का यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छे खासे यहाँ पर अपसाइड नजर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये शेयर का जो पहला टारगेट है वो यही टारगेट है जो इसका रिसेंट यहाँ पर रजिस्टेंस था वन का जो कि ज्यादा नहीं आई थिंक कितने परसेंट का यहाँ पर रिटर्न बन रहा है दो तीन चार परसेंट का ही रिटर्न बन रहा होगा Do Dani... तो पहले तो इसी के लिए जा सकते हैं सेवन टू एट परसेंट के रिटर्न के लिए और मुझे लगता है कल ही पार कर लेगा बाकी अगर दूसरा हर्डल ये और फिर तीसरा तीसरा हर्डल यहीं पर पर ही आएगा जो पर जो रिटर्न आएंगे के के रिटर्न एक साल के अंदर अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं बट आपको बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं आपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके आपको पोजिशन लेनी है वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करिएगा आपको एक नए शेयर से रेटिव पता चली है तो इस शेयर को इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ भी फैलाइएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस